हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों आज है स्पेशल संडे और स्पेशल संडे के दिन हम लोग स्पेशल क्लास करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग GK GS क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कल एग्ज़ाम इसका हुआ था तो हम लोग को सारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ था GK GS का। यदि आप CGL का एक्सपेरेंट है, आप लोग दिल से तैयारी कर रहे हैं और एक सीट चाह रहे हैं, तो दोस्तों जिस भी राज्य में एग्जाम हो रहा है सबका आप लोग वहाँ का GK GS क्वेश्चन लगा लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि GK GS में ही लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, सेंट्रल GK खास करके, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेरा तो कोशिश तो रहता ही है जहाँ भी एग्ज़ाम हो आपके तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको तो देखिए UPSC का एग्ज़ाम हुआ था कल, PSSC SSSC SSSS SSSS जो भी है, तो उसका GK GS करने वाले हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कहीं से मंगा के फिर आप लोग तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होता है, आसान बात नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाइए। ठीक है, ताकि कैसे जैसे भी वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और इसे आप देख पाए। ठीक है, चलिए तो जितना भी है जैसे CGL में आएगा ऐसा ही प्रश्न आप क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। तो CGL लाइक भी क्वेश्चन है कुछ कुछ, और कुछ कुछ तो ठीक है, जो भी बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो CGL का छात्र जरूर देखिएगा। चलिए, पहला था पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, हालांकि इसका एग्जाम आज भी है। ठीक है दोस्तों, आज इसका क्वेश्चन मेरे को मिल जाता है तो इसका भी कल जरूर डाल देंगे, लेकिन कल का जो मिल गया तो मैं डाल दे रहे हैं आज। ठीक है, समझ रहे ना, इसलिए जहाँ से भी जरूर नहीं कि बिहार में हुआ चाहे यूपी में हुआ चाहे उड़ीसा में, कहीं भी हुआ क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन होता है हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपके तक पास पहुँचा ही देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं करना है आपका। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था, तो चार ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्या था इसका, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन था? कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था दरबारी कवि हरिसेन, समुद्र के द्वितीय में। चलिए, चौथा नंबर, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया पहले कौन लगाया था? बलबन लगाया था। हटाया कौन था? अकबर। ठीक है, फिर दोबारा कौन सा लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, जजिया दोबारा लगाने वाला शासक औरंगजेब था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में, शायद डेट देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो चार ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों की ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर देना, इसका मतलब इंग्लिश में है ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, इसीलिए हुआ था, ये मेन कारण यही था आपको। ठीक है, चलिए, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था बताइए? रीजन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट 1930, तो क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजा गोपालाचारी, आसान क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JSSC में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बर्मा से रिलेटेड, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, पता ही होगा आपको जैसा कि। तो ये कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कब? डेट पूछ देगा तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 37 कौन सा एक्ट? एक्ट 35 के तहत किया था, लेकिन अलग हुआ था 1937 में। 1 अप्रैल 1937 डेट आपको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बर्मा वाला, म्यांमार वाला। ठीक है, चलिए, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? किसने किया था? रास बिहारी बोस, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर, कौन सा है? कैस्पियन सी, कौन सा? कैस्पियन सागर, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है, वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे कौन सा मानसून कहा जाता है? द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डे इज नोन एज बर्स्ट, क्या बोलते हैं? फटना, परफोस्ट, बस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, बी इज द राइट आंसर।
जी एम टी का फुल फॉर्म पूछा है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों का वार्षिक संख्या का किस नाम से जाना जाता है, बाई वे वाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपुल इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट। क्या बोलते हैं इसको, क्रूड अशोधित जन्म दर उसको बोलते हैं। सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं, बताइए। टिक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता ही होगा टिक फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, एमपी में पाया जाता है, टिक फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्याय, देखिए दोस्तों जब हम पंचवर्षीय योजना कराए थे आप लोगों को शायद पता होगा एक हफ्ता पहले, ये क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या, ये क्वेश्चन देखिए कराए थे, इसका क्या था अहलूवालिया, ठीक है करवा चुके, लास्ट अध्यक्ष यही था, लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, सब करवा चुके आप लोग, जाकर देखिए वीडियो को शानदार तरीके से कराया गया, जितना करवा रहे सब देखा कीजिए, जैसे सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहीं से गारंटी देते हैं आपको, बाकी आपकी मर्जी कितना देख पा रहे नहीं देख पा रहे, अभी और भी क्लास होने वाला है, पूरा निचोड़ निकलेगा सब चीज़ का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, बताइए। सेक्टर टू लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑफ इंडिया, कौन सा है सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर, ज़्यादा एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला फील्ड में। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल रूप चुना गया था, पंजाब। 1969 में प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना गया था, लीडिंग प्राइवेट बैंक नेशनलाइज, कब 1969 में कितना 14 बैंकों किया गया था, कितना 14 बैंकों का। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, कौन सा था बताइए, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नन ऑफ दीज, तो थोड़ा इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, हालांकि इसका कम्युनिकेशन लग रहा है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा डाउट इसमें लग रहा है, कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर इसका। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल 29। आर्टिकल पे कभी क्वेश्चन हम नहीं कराए, अभी आर्टिकल पे करवाएंगे, टेंशन मत लिए, सब कंप्लीट करवाएंगे आपको धीरे धीरे, बस आप लोग वीडियो देखते चलिए सब जितना डालते हैं। 42 संशोधन के माध्यम से संविधान में से कौन सा नया DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, तो कौन सा जोड़ा गया था बताइए, कौन जोड़ा गया था इसका, इसका होगा इक्वल जस्टिस फॉर फ्री एंड लीगल, ठीक है। 27 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह है वैज्ञानिकों दृष्टिकोण और मानवता विकसित करना, यह भी है भारत की संप्रभुता अखंडता एकता और रक्षा करना, यह भी है, इसका मतलब डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अनुच्छेद 245 अनुसार डैश संसद का कार्यकर्ता, क्या कानून बनाना, एज पर आर्टिकल 245 लॉ मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, सरकारिया कमेटी, देखिए क्वेश्चन करवा चुके हैं सरकारिया वाला, देखिए दो क्वेश्चन हो चुका अभी तक, ठीक है, जितना हम करवाएं उसमें से। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है, देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों जो करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फालतू चीज़ें करा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए लाइट ईयर किसका मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस का, किसका करता है, डिस्टेंस का मेजर करता है, ठीक है, तर्कीय दूरी को। सभी अम्लों में समान तत्व क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, क्या पाया जाता है, H+ हाइड्रोजन, और बेसिक में OH-। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसियल आर कोटेड विथ, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से किससे लेपित किया जाता है, लेपित किया जाता है तो टेफ्लोन से, किससे, टेफ्लोन से किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिजीवी स्तनधारी है, बताइए, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, कौन सा है, डॉल्फिन। चलिए पौधों के विकास किससे प्रभावित होता है, बताना है आपको, विकास कैसे प्रभावित, केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, नहीं केवल नहीं हो सकता है, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, गलत, प्रकाश, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है थोड़ा बहुत ये, लेकिन देखा जाए तो ऑप्शन डी राइट साइड, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि सब इसमें है, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वालिटी क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये होता है क्वालिटी क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वजह से प्लांट डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है, आप लोग पता होना चाहिए शायद।
भारत के कितने राज्यों बांग्लादेश के सीमा के साथ साझा करते, ये भी क्लास हम करवा चुके दोस्तों, हालांकि बहुत पहले करवाए थे, लेकिन जैसे जैसे सीजीएल के लिए टारगेट करते हैं, इसका क्लास हम जल्दी लाने वाले हैं एक दो दिन के अंदर ही, ठीक है। ऐसा क्लास लाएंगे इसका, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा, ठीक, यानी कि 3 मार्क्स हो सकते, दो क्वेश्चन पूछते यहाँ से, क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्य या झारखंड के पड़ोसी राज्य से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ बढ़िया तरीका से, तो इसे बहुत शानदार तरीके से करवाएंगे, इसको पूरा चीज़ बताएंगे इसमें, ठीक है, ट्रिक के साथ, मतलब कौन सा स्टेट कौन सा राज्य कवर करता है, कितने, जैसे यहाँ पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा सीजीएल में कि हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, किस कितना करता है, 5 को करता है, कौन कौन, WB, ATM, मनी, वेस्ट बंगाल, बताइए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो 5 है टोटल, ठीक है, सारा बताएंगे हम, 7-8 जितना भी है ना सबको कराएंगे, तो आपको बस करना कुछ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा देता है कि नोटिफिकेशन आपके जा सके। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा सीजीएल में, 100% बनेगा इस टाइप का। देखिए करेंसी वाला करवा चुके आप लोग ने, देखे ट्रिक वाला करवाए थे, ठीक है, पोलैंड का करेंसी जॉलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या होगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख, दिमाग में रखना है, लद्दाख सबसे बड़ा और छोटा लक्षद्वीप। चलिए निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होता है, किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पे है इंडिया में, तो कोची केरला में है, देख सकते हैं वास्को डिगामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पे है, तो कोची केरला में है। चलिए डैश उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, ये भी करवा चुके हैं, ये भी हम करवा चुके हैं, ठीक है, नहीं देखें तो जाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन था, कथक, वो कथक बोल देगा उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया, तो कथक इसका राइट आंसर, कथक कली बोल लेगा तो कहाँ पे है, केरला, कथक कली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरला, ये सब करवा चुके हैं, ठीक है। देखिए अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, जितना हम करवाएं उसमें से बात कर रहे हैं। चलिए थॉमस कप, ये भी चीज अपने ये चीज़ भी करवा चुके हैं, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड उसका पार्ट करवाएं, जाकर देखिए पुराना वीडियो लगभग 1-1.5 महीना पहले करवाए थे चीज़, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, 6 क्वेश्चन हम करवा चुके, मतलब आ चुका है यहाँ से, कहने का मतलब जो हाल फिलहाल में करवाए हैं, ठीक है। बुक्स विंग्स ऑफ द फायर, ये भी ला मेरा यूट्यूब चैनल पे ये ला वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर बुक क्वेश्चन लिखा है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, हालांकि ये 1-1.5 महीना पहले की बात है, ये फिलहाल का ही बात नहीं, लेकिन करवाएं तो हैं, देखिएगा तो काम बन जाएगा आपको शायद। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम क्या है बताइए, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी यही है, तटीय रेखा में परिवर्तन है, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन सी लेवल, जी हाँ दोस्तों, चेंज इन कोस्टल लाइन, जी हाँ, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, जी हाँ, ऑल ऑफ दीज। चलिए दोस्तों लगभग हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं जैसे हिंदी आ गया तो आपको हिंदी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों तो कर लिए कल का पेपर, यदि आज भी एग्जाम है, आज भी मान पेपर मिल जाता है तो कल छोटा वीडियो डाल देंगे दोस्तों, और इस टाइप का वीडियो देख लिया कीजिए, शायद आपको काम आ जाएगा, हालांकि लगने को देखने को आसान लग रहा होगा, लेकिन नहीं, सिली मिस्टेक वहाँ हो जाता है, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्री का जल्द ही वीडियो आने वाला शानदार तरीका से, ऐसा वीडियो आएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा और सही 100% करके आइए क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछना है, हो सके 2 क्वेश्चन पूछ दे तो बल्ले बल्ले हो जाइएगा आप लोग, इसलिए चैनल से जुड़िए और देखा कीजिए हर वीडियो को, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।